एक्सरसाइज सिक्स लॉन्ग फाइन दावर अब शेडो किससे बनेगी अब पोल की शेडो बनेगी सन से तो सन का जो एंगल होगा एक समय में सभी के लिए एक जैसा होगा तो हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे दो हमने दो ट्रायंगल बनाई हैं और ये ए बी और ये सी सपोज करते हैं कि इसमें हमारे पास ये ए बी सी में ये छ मीटर लॉन्ग पोल है और इसकी शेडो फोर मीटर आ रही है हमने यहाँ पे पी उन्होंने कहा ये शेडो ट्वेंटी एट मीटर लॉन्ग है तो आपने हाइट ऑफ पोल बतानी है सबसे पहले अंडरस्टूड आपने क्या रखना है बच्चों ये ये वाला एंगल सन का एंगल बनेगा एंगल ए और एंगल पी सेम होंगे अगर एंगल ए और पी सेम है और एंगल और एंगल एंगल बी होंगे ये नाइनटी नाइनटी के होंगे क्योंकि पोल है सीधे सीधे खड़े होंगे ठीक है ना और ये एंगल ऑफ सन हो जाएगा इसलिए इक्वल हो गया तो हमारे पास सबसे पहले क्या बात आ जाएगी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल pq हुआ और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं और यहाँ रूल कौन सा लगेगा हमारे पास एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन-कौन समरूपता नियम से अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये ab अपॉन pq विल बी इक्वल टू bc अपॉन के qr अब ab हमारे पास सिक्स है pq हमने फाइंड आउट करना है bc हमारे पास 4 है और के ऊ आर हमारे पास ट्वेंटी एट है अगर मैं इसको कट कर दूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा फोर सेवन जा सॉरी सिक्स फोर सेवन जा फोर्टी टू मीटर जो है यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये टू मार्क्स में अक्सर पेपर में आता है बच्चों ये हमारा फिफ्टी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा